सो हमारे साथ मलका मौजूद हैं। खुद मलका की डमी रह गई, इनको भी साथ ही हम कुछ कर रहे हैं या क्या कहेंगी बाजी? अम्मा हो रही। इट्स अ फाइनल गुड बॉय। गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय। इट्स अ गुड बाय। बेचा किसको था लड्डू ने? बेचा किसको था? वो तो उसकी दूर की पुप्पी थी जो बेची थी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रूबा। एंड आप लोग आज सोच रहे होंगे कि व्हाई एम आई मेकिंग अ वीडियो ऑफ अ डॉग, दो आई एम नॉट अ डॉग लवर एट ऑल, बट द वे ये बैठा हुआ था और ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था। टच करना मुझे इतना खास पसंद नहीं है, मैं कर लेती हूँ, लेकिन एक तो ये शक्ल से इतना मासूम था, इतना प्यारा सा था। एंड दिस इज़ द फेमस पार्टिकल्स जिसका बहुत दफ़ा जिक्र होता है जब बब्बू बनते हैं लड्डू। तो दिस इज़ दिस पार्टिकल्स, यू कैन सी द लैब्राडोर। वीडियो कैमरा की जरूरत नहीं। प्लीज भी साहब, डफी तो बाहर आ रहा है। डफी इसका दादा था। अच्छा, लिनाइडस इसका बाप था। बेचा किसको था लड्डू ने? बेचा किसको था? वो तो उसकी दूर की पुप्पी थी जो बेची थी, दूर नजदीक की। वो लेकिन रेड कलर की थी, वो बहुत शानदार, जो मरून कलर होता है। और वो इतना चोर है, वो अभी बात नहीं आता। बेचा था शायद, फिर पड़े गए ना चंदन पहले लड्डू। क्या बेचते हुए? नहीं, मेरा पेरी चोरी ये ऐसी खसलत है जो नहीं जाती। इन्होंने बिस्किट खा लिया था। उसको लास्ट की बात को बात है बेटा। उसको वंस अगेन आई एम नॉट अ डॉग लवर एट ऑल, लेकिन ये एन मेरे सामने बैठा था और इतना मासूम लग रहा था दैट आई कुड नॉट स्टॉप फिल्मिंग इट। खैर वो तो चले, उसके सोलो शॉट्स थे। यहाँ पर मज़ेदार चीज़ है जो कि आप नोट कर सकें, कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी जान निकली हुई है, जिसको फोबिया है यानी, और ये आप देख सकते हैं गुबोल इज़ अबाउट टू रन अवे और उसको समझ नहीं आ रही कि वो उसके साथ कैसे करे। ओह आई एम सो सॉरी गुबोल, बट आई हैव टू डू दिस। और इसी के साथ यहाँ पर एंटर होते हैं बब्बू राणा, जिनकी अपनी जान निकली हुई है, सूखी हुई है, उनसे अपनी चेयर पर आके नहीं बैठा जा रहा। सो कैसे किया इन लोगों ने ये सेगमेंट, वो देखेंगे। बोल की जान निकली है, कैसे किया ये सेगमेंट, ये तो आप शो में देखेंगे, बट इट वॉज़ इंटरेस्टिंग वर्किंग विद दिस लैब्राडोर, दिस स्पार्टिकस। सो ये काम कर ही रहे थे दैट वी गॉट द न्यूज़ ऑफ द क्वीन। सो फिर वो बातें करते करते उसी सेगमेंट पे हमने उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर ली। सबसे फनी है गबोल। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो आई वॉज़ नॉट प्लानिंग टू मेक अ वीडियो टुडे, और वैसे जैसे कहते हैं एक थोड़ा सा दिल उदास होता है, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं, मैं कभी मिली नहीं, हमारा कोई डायरेक्ट ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन जब से मैंने या मेरी अम्मी ने या इवन मेरी ग्रैंड मदर वॉज यंग, तो हमेशा से एक ही क्वीन रही है, यू नो, 70 दहाइयाँ, 7 दहाइयाँ, 15 prime ministers एंड अ सिंगल क्वीन। सो इट्स एंड ऑफ एन ईरा, और हमारी टीम के साथ इस वक्त हम बैठे थे एंड आई जस्ट वॉन्टेड यू नो टू टॉक टू समवन, और मेरे पास वो बैठे हैं जो इस सेगमेंट में हमेशा से मलका बना के करते थे। सो हमारे साथ मलका मौजूद हैं। खुद मलका की डमी रह गई, इनको भी साथ ही हम कुछ करते हैं या क्या कहेंगी बाजी? अम्मा हो रही। इट्स अ फाइनल गुड बॉय। गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय। इट्स अ गुड बाय।
फाइनल गुड बाय जी डॉक्टर साहबा, अफसोस है बहुत ज़्यादा, पर इतना भी नहीं है लेकिन है इतना? नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको मलका का अफसोस है या आपका कैरेक्टर? मुझे अपनी अपनी नींद ना पूरी होने का अफसोस है, इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा, जाग रहे हैं। आपको पता है इसी वीडियो के अंदर मैंने एक बड़ा कमाल सा आपका सेगमेंट आपको मैं प्रॉब्लम दे रही हूँ, रिजवी साहब मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहे, आप अपना काम करें, किसने रोका? करते रहें आप, ऐसो का हलचल चलती रहेगी, मैंने इजाजत दी है रिजवी साहब आप करें जो करना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सो अभी मैं देख रही थी इसी वीडियो के अंदर एक पार्ट आएगा, यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा मासूम सी शक्ल का एक डॉग आया था, जी हाँ, लैब्राडोर, लैब्राडोर आया था, जिसको देखते हुए आपकी जैसे जान निकली हुई थी, आप उससे ज्यादा क्यूट लग रहे थे, आप मुझे बताइए। सोच है डॉक्टर साहब, मेरी कितनी जान निकली हुई थी, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि आपको इतना डर लगता। नहीं मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ये तो आप लोग वीडियो देख के बता सकते हैं। ओके जी, हम बाद में देखते हैं, यहीं पे वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। और देखा व्यूअर्स ने वो क्लिप देख लिया, अब आप क्या कहते हैं, आप वैसे ही जस्ट टिकलिश हो रहे थे या आप असल में डर रहे थे? देखिए मुझे फोबिया जो है एक तरह से जो है वो मैं छुप के, उससे ज्यादा मुझे किससे, मुझसे ज्यादा किसको होगा? बिल्कुल मेरा भी वही आलम है, छुपकली से मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, मुझे सांप वाप भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, और कुत्ते बिल्ली तो अल्लाह बर्दाश्त कर लेते हो सांप? तुम कल सांपों के सेगमेंट में बैठे थे। हाँ, जान जाती है बट स्टिल जरा इतना कोई सीन नहीं है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक बात है, आपको पता है कल मैं कितनी ब्रेव बन के बैठी थी सांपों के सेगमेंट में, आपने मुझे पहले सेगमेंट में देखा था जी, लोगों को लगता था कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। डॉक्टर साहब का वाकई बहुत ज्यादा त्राह निकले, पैनिक, लिटरली पैनिक अटैक वाला सीन है मेरा, कि जो बंदा आपने काबू में नहीं रहता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जी आहिस्ता आहिस्ता अपने सब घर जाने की तैयारी में, स्पेस लियो में हो गया, लेकिन शो में कुछ और है। हेलो जुबाइडी साहब, बस लॉर्ड जो थोड़ी देर में जुबाइडी लॉर्ड भी हो, बस मलका के बारे आखिरी आखिरी लव्स कहने हैं, अल्लाह जितना ही कर करे। आप बल्कि मलका को जितना कोसते थे यहाँ पर आके, कौन लगती थी आपकी दादी सास? हाँ, क्या बनते थे आप? तू मेरे लिए चंगी कैसे बनते थे? ये है मलका, कैफी कैफी तेरी पैर मुझे जैसे पता चल गया मेगन किन लेकिन मैं एक्चुअली इसलिए कंटिन्यू करती थी, दिखाना था मैंने बोल का रिएक्शन, बोल हमने देख लिया। एनीवे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।